हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल विद्यार्थी। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन इंक्रीज योर इंटरनल मेमोरी। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम अगेन दोस्तों। ये काफ़ी कारगर तरीका है अपने भी इंटरनल्स मेमोरी को, अपने फ़ोन की इंटरनल्स मेमोरी को बढ़ाने का। तो आपको अपने मोबाइल में ये दो चीज़ की ज़रूरत है, एंड्रॉयड मार्शमेलो और माइक्रो एसडी का जो आपका फ़ोन होगा वो एंड्रॉयड मार्शमेलो या फिर उसके ऊपर का होना चाहिए। और उसमें माइक्रो एसडी कार्ड मतलब जैसे 16 GB या 32 GB जितना भी हो वो आप लगा लें। उसके बाद यह इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी में इंटरनल मेमोरी कम होता है तो उसे बढ़ाने में काफ़ी आसानी होगी। वो आपको जो माइक्रो एसडी कार्ड है वही आपको एज ए इंटरनल मेमोरी वर्क करेगा और उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रहा है या फिर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिना किसी देर किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्टोरेज के अंदर। हम स्टोरेज के जाने के बाद आपको स्टोरेज यानी यूएसबी लिखा होगा, एक टैप करेंगे और उसके बाद देखेंगे आप पोर्टेबल स्टोरेज, जो देख सकते हैं कि डिवाइस में भी ऊपर है और सैंडिस्क में भी नीचे है। तो पोर्टेबल स्टोरेज पे के अंदर जो सैंडिस्क एसडी कार्ड उस पर टैप करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स खुल आ जाएगा मेनू टाइप से, हम जो ऊपर 3 डॉट है उस पर टैप करेंगे, फिर सेटिंग के अंदर जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि आप इसमें 3 ऑप्शन दे रहा है, एजेक्ट फॉर्मेट एंड फॉर्मेट एज इंटरनल। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपने मेमोरी कार्ड को पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट करेंगे ठीक है। फिर इरेज एंड फॉर्मेट, तो वो जा क्या होगा कि वो इंटरनल में जाके ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ये जो प्रोसेस है पूरा होगा 100% है, तो हम स्किप कर देते हैं इसको जी। हमारे साथ ये देखिए हो चुका है, तो यहाँ पे दे रहा है तो मूव टू डाटा न्यू स्टोरेज। जैसे आप जो पुराने डाटा जितना भी था आपके इंटरनल मेमोरी में, वो सारा का सारा जो भी नया बन के आ गया उसके अंदर आ जाएगा। तो अभी मूव नाउ और मूव लेटर का 2 ऑप्शन है, तो मूव नाउ करेंगे। जैसे कि 6 GB का फाइल था मेरा पहले इंटरनल स्टोरेज में, वो मेरा जो नया डाटा दोनों मिल गया है, इंटरनल स्टोरेज और दोनों के दोनों मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे टैप कर देते हैं मूव लेटर के ऊपर और नेक्स्ट कर देते हैं। दोस्तों इस टेक्निक से क्या है कि बहुत फ़ायदा है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी लो स्टोरेज की। आप देखिए यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज और सैंडिक्स दोनों मिल गया और टोटल यूज़ देखिए 10 और टोटल 18 बता रहा, पहले मेरा कम था। तो ये काफ़ी बेनिफिट और अच्छा है एप्लीकेशन का, ज़रूर आपको ये टेक्निक अच्छा है और आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।